हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस 2021 के रिगार्डिंग हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन पूछे थे एसएससी से आईटीआई के थ्रू, तो उन्हीं में से कुछ का जवाब आया है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या क्या पूछा गया था। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी गौर करने वाली बात है कि 19 सितंबर 2022 को ये क्वेश्चन पूछे गए थे और आज है 15 तारीख, यानी कि 14 तारीख को इसका रिप्लाई आया था कल। ठीक है, तो सोच सकते हैं एसएससी कितना डिले करता है। देखिए, यहाँ पे 14 अक्टूबर 2022 को ये डिस्पोज किया था रिक्वेस्ट को, तो ये बहुत ही डिले वाली कहानी हो जाती है कि अगर आईटीआई भी लगाते हैं तो एक महीने बाद अगर उसका जवाब आता है तो फिर क्या फ़ायदा। चलिए हालांकि क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने जो पूछा था कि व्हेन विल एसएससी एमटीएस 2021 रिजल्ट पेपर वन रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड, तो जो कि अब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने पूछा था रिजल्ट से बहुत पहले व्हाट इज़ द वैकेंसी पोजीशन रीजन वाइज फॉर एमटीएस 21। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट विल बी प्रोसेस आफ्टर एमटीएस 2021 पेपर वन एग्ज़ाम, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट और पेपर टू एग्ज़ाम फॉर हवलदार पोस्ट। तो हमने पूछा था कि पहले फिजिकल होगा या पेपर टू होगा, उसका क्या जवाब दिया है इन्होंने अभी देखेंगे। हाउ मैनी कैंडिडेट्स विल सेलेक्टेड फॉर टीयर टू एग्ज़ाम, और कितने एग्ज़ाम कैंडिडेट जो है सेलेक्ट होंगे टीयर टू एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विल एमटीएस 21 डीवी बी कंडक्टेड बाय एसएससी, तो क्या 2021 एमटीएस का डीवी एसएससी कंडक्ट करेगा, ये हमने क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि एमटीएस 2021 पेपर टू एग्ज़ाम में कितने लेटर और एसे के क्वेश्चन रहेंगे पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों के मन में भी होंगे। तो चलिए जानते हैं क्या एसएससी ने जवाब दिया है, क्या फिर इस बार रटा रटाया जवाब दे दिया या फिर कुछ अलग डायलॉग इस बार लिखा है। अभी आते हैं देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 14 तारीख का रिप्लाई आया है, तो एक नंबर पॉइंट का इन्होंने देखिए क्या जवाब दिया है। रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंसड ऑन 7/10/22, प्लीज़ चेक वेबसाइट। ठीक है, अच्छी बात है, रिजल्ट आ चुका। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो कर्नाटका और केरल रीजन है उसमें वैकेंसी है 528। हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था कि वैकेंसी क्या है एमटीएस 2021 की, तो इन्होंने कर्नाटका और केरल रीजन का बताया है कि 528 है और बाकी के लिए आप जो है कैंडिडेट कॉर्नर में जाएंगे, टेंटेटिव वैकेंसी में जाएंगे तो वहाँ पे अदर्स में जाके चेक कर सकते हैं, इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो हम लोग देख चुके हैं बहुत पहले ही। अब पॉइंट नंबर 3 और 4 को इन्होंने कहा है कि रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंसड ऑन 7/10/22, प्लीज़ रेफर राइट अप ऑफ द रिजल्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि 3 और 4 नंबर पॉइंट के लिए ये कह रहे हैं कि आप जो रिजल्ट आया है, कट ऑफ आया, उनको देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पेपर एमटीएस का पेपर वन जो होगा वो उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या पेपर टू होगा पहले, ये बताने को हम लोग बोले थे, तो वो कह रहे हैं कि आप राइटअप देखिए। राइटअप में तो बस यही लिखा गया है कि फिजिकल और टीयर टू होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि पहले कौन होगा, और यहाँ पर भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। चौथा नंबर पॉइंट पूछा था कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो ये भी एग्जैक्टली नहीं पता है, राइटअप के हिसाब से कैसे पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट जो है टीयर टू में जाएंगे। हालांकि जो उन्होंने डेटा दिया है 24,000 हवलदार में सेलेक्ट किया है और 44,000 जो एमटीएस के लिए सेलेक्ट किया है, तो उसी डेटा को शायद यहाँ पे वो बता रहे हैं। ठीक है, कि आप जो है राइटअप देख लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा कि सेलेक्ट कितने होंगे टीयर टू के लिए। चलिए ये तो ठीक है, 4 नंबर का जवाब हम लोग को मिल गया, बात सही है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है कि एसएससी कराएगा या नहीं, अब देखिए क्या क्या लिखा है इन्होंने कि प्लीज़ विजिट द वेबसाइट ऑफ एसएसकेकेआर फॉर अपडेट्स। 5 नंबर पॉइंट हमने पूछा था कि क्या एसएससी कराएगा डीवी, तो इन्होंने कहा है कि वेबसाइट पर विजिट करिए एसएससी केकेआर रीजन का, वहाँ पर आपको अपडेट मिलेगा। तो वहाँ पर अपडेट के लिए डेली विजिट करना पड़ेगा, आप लोग भी विजिट करते रहिए, शायद कोई जवाब वहाँ पर आए। 6 नंबर पॉइंट जो हमने पूछा था कि कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ लेटर एंड एसे विल बी गिवन इन क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो इन्होंने देखिए क्या लिखा है कि 14.5 पैरा ऑफ नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर बताया गया है
पेपर टू के बारे में। तो चलिए हम लोग 14.5 का पैरा देखते हैं, क्या उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि कितने लेटर या कितने ऐसे देगा। तो एक बार हम लोग चल के नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है पैरा नंबर 14.5 और इसमें कहा है कि हमने इसमें बताया है कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग SSC कितना अपना डेटा सही देता है। देखिए यहाँ पे जैसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि शॉर्ट ऐसे एंड ए लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक बात सही है। आप एक ऐसे देंगे, ठीक है, और एक लेटर देंगे, और उसके बाद फिर टाइम बताया है 45 मिनट, इसका भी बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए 14.5.1 में पेपर टू विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर, ठीक है, मोड इन विच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ए शॉर्ट ऐसे, एक ही ऐसे लिखना है और एक लेटर लिखना है, और एनी लैंग्वेज सॉरी इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में या फिर किसी भी 22 भाषाओं में आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ भी हम लोग को अभी जवाब नहीं मिला कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पेपर टू विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, सही, सबको पता है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे ग्रुप सी के लिए जो एक एलिमेंट्री ये स्किल टेस्ट है इसलिए इसको कराया जाता है, वो भी बात सही है। उससे हम लोग को क्या लेना, पेपर टू विल बी यूज टू डिसाइड मेरिट। तो यहाँ पे भी जवाब नहीं है कि कितने ऐसे और कितने लेटर दिए जाएंगे। चलिए पॉइंट थ्री देख लेते हैं, पेपर टू विल बी हेल्ड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट जो कि पेपर वन क्वालिफाई करेंगे। चलिए ये भी सही बात है, यानी कि यहाँ भी जवाब नहीं। अब देखते हैं पैरा 14.5.4, इन पेपर टू कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर, और बाकी चीज़ें ये सब बेकार की चीज़ें बोल रहा है, ये तो हम लोग को पता ही है। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो अफिक्स सिग्नेचर लेफ्ट थंब, ये सब जानते हैं, इस सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए पॉइंट फाइव, देखिए कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, और यानी कि ये वो UFM का बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर UFM से हम लोग को कोई वास्ता नहीं है अभी फ़िलहाल। तो यानी कि ख़त्म हो गया 14.5 पैरा, ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं पर भी जवाब नहीं मिला कि कितने ऐसे और कितने लेटर होंगे। लेकिन SSC ने कहा था कि आप नोटिफिकेशन में देखिए, वहीं पे मिलेगा, तो अब मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप लोग को कहीं दिखेगा तो ज़रूर बताइएगा। और ये SSC देख ही रहे किस तरह से पल्ला झाड़ रहा है, तो बस यही है, यानी कि क्लियरली नहीं है अभी भी कि कितने टॉपिक देंगे, फिर भी मान के चलिए कि 5-5 ही रहेंगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या हम लोग कर सकते हैं, हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की और ये लगभग एक महीना का टाइम होने वाला है, फिर भी एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, हम लोग देख ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक महीना पहले ये लगाया गया था RTI, और अब जाकर, ठीक है, अब जाके ये जवाब आया, तो ये तो हम लोग को बहुत पहले ही पता था, हमने तो नोटिफिकेशन कई बार पढ़ा है, तो इसमें तो कुछ था नहीं, आपको स्पेसिफिक बता देना चाहिए था कि हम एक ही टॉपिक देंगे या 5-5 करके देंगे, तो ये बताते तो ज़्यादा क्लियर होता। फिर भी अब आप लोग मान के चलिए, अगर सबसे बुरा मान सकते हैं तो मान लीजिए कि एक ही देगा, और सबसे अच्छा मान सकते हैं तो मानिए कि 5-5 देगा। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या लेकर चलना है, ठीक है। तो इस अब बाकी अपडेट के लिए आप बने रहें चैनल के संग, कुछ और इन्फॉर्मेशन आता है तो आप तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू।